बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। वहाज अली की बॉलीवुड में एंट्री। करण जौहर ने किस फिल्म के लिए उनको साइन किया है? तेरे बिन ड्रामा मुकम्मल होने तक रोक दिया गया। किसने रोका? आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। दुबई में हुई मुलाकात में क्या कुछ तय पाया है? ये शूटिंग कहाँ पर होगी, किस मुल्क में की जाएगी? जो वहाज अली है उन्होंने ट्विटर पे भी कुछ हकीकतें बयान की है। वीडियो इंपॉर्टेंट है हर उस बंदे के लिए जो वहाज का फ़ैन है। बहुत ही अच्छा काम करे, बहुत ही उनकी अदाकारी को लोग पसंद करते हैं, बहुत ही डिसेंट किस्म के इंसान हैं। मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में उनको जो है जिस तरह से ख़वातीन से बात करते देखा, बहुत कम हमारी इंडस्ट्री में लोग ऐसे हैं जो इतने ग्रेसफुली ख़वातीन को टैकल करते हैं, हैंडल करते हैं। इनके साथ जो है मुख्तलिफ ख़वातीन ने काम किया और हमेशा यही बोला कि बहुत 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 कोऑपरेटिव इंसान है। वहाज अली जी इस वक्त फिल्म और ड्रामे के दरमियान फंस चुके हैं। उनको ये डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि वो बॉलीवुड की फिल्म में एंट्री करें या पाकिस्तान का वो ड्रामा जिसमें वो काम कर रहे हैं उसको कंप्लीट करें। करण जौहर उन्हें बॉलीवुड में एंट्री देना चाहते हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में अपने कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से जो है वहां पर उसको पूरा करने पर मजबूर है। वहाज, आपको थोड़ा सा बताती चलूं कि एक ड्रामा कर रहे हैं इस वक्त, उसका नाम है तेरे बिन। इसने तो हर जगह पर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये पाकिस्तान समेत भारत में जो है वो इस वक्त जो है टॉप ट्रेंडिंग में शामिल है। इस ड्रामा सीरियल में वहाज अली अदाकारा यमुना जैदी के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। दोनों के कपल को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। मुझे एक किस्सा याद आया, मेरे ख्याल में एक रिसेंटली इंटरव्यू में जाते हैं वहाज जो है वो यमुना के साथ, वहाँ पर बड़ा अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी वो, क्योंकि उनके साथ जाकर बैठ जाता है होस्ट बिल्कुल साथ। तो वहाज जो है वो बड़े प्यार से होस्ट को कहते हैं कि उनको भी बुरा ना लगे कि आप जरा इधर आके मेरे साथ बैठ जाए। तो बहुत ही ग्रेसफुली वो चीज़ों को हैंडल करते हैं और पाकिस्तान के बड़े उभरते हुए स्टार हैं जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं। तो अब जी दोनों का कपल बहुत मशहूर हुआ है, जबकि उनकी जो ऑनलाइन केमिस्ट्री है उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। अब जी इस ड्रामा सीरियल के मद्दाहों और शायकीन में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी। वहाज की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर करण जौहर, जिनके साथ लोग काम करना, छोटा सा रोल करना जो है वो कहते हैं कि जी गनीमत समझते हैं। हर अदाकार की जो है ये कोशिश होती है कि अगर वो करण जौहर के साथ काम कर लेते हैं, चाहे 5 मिनट का सीन भी कर लेते हैं, तो वो बस फेमस हो जाएंगे। करण जौहर एक बहुत अच्छे हिदायतकार हैं और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में दी हैं माजी में। उन्होंने बहुत बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया, जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान, रानी मुखर्जी, काजोल, अजय देवगन, जो भी इंडिया के सुपरस्टार्स हैं, अमिताभ बच्चन, उनके साथ उन्होंने काम किया है। और हर अदाकार ये चाहता है कि हमारे बच्चे को अगर कोई लॉन्च करे तो वो करण जौहर करे। वो शाहरुख खान का बेटा हो या आलिया भट्ट हो, कोई भी हो, सबकी ये ख्वाहिश होती है कि हमें लॉन्च करने वाला जो है वो करण जौहर हो। तो जी करण जौहर आप देख लें कि इस वक्त हमारे वहाज के फैन हैं। कितनी अजीब सी बात है ना कि दुनिया करण जौहर के पीछे है और करण जौहर जो है वो वहाज के पीछे है। मैं आपको बताती चलूं कि जो बॉलीवुड डायरेक्टर है करण जौहर, वहाज के जो है वो मद्दाह निकले हैं, बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़े उनके मद्दाह निकले हैं। और ना सिर्फ सोशल मीडिया पर उनको फॉलो कर रहे हैं बल्कि उनकी वीडियोस को, पिक्चर्स को, उनके ड्रामे को, जो क्लिप्स लगाते हैं उसको लाइक करते हैं और बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है। वहाज को मालूम है कि उनकी मकबूलियत जो है वो ड्रामा सीरियल तेरे बिन की वजह से है। ड्रामा सीरियल तेरे बिन से कई सारफीन के दिलों पर राज करते हुए नजर आने वाले वहाज जो है वो हर बंदे को अपना जो है मद्दाह बनाते हुए नजर आते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तानी ड्रामा जो है, जो ड्रामे पाकिस्तान के हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा मकबूल है। इसमें आप देख लें, मायरा खान जो है वो ड्रामे में काम करती थी, उनको इंडियन फिल्म की जो है ऑफ़र हो गई। उसके बाद और भी बहुत सारे अदाकार हैं जो बड़े अच्छी अदाकारी करते हैं ड्रामों में, उनको जो है वो अदाकारी की ऑफ़र की गई इंडियन फिल्मों में। इसी तरह से वहाज के पीछे भी ये सब पड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि जी वहाज जो है वो इंडियन फिल्मों में आकर काम करें, उनको ब्रेक थ्रू मिले और इंडियन फिल्म में वो काम करें और नज़र आएँ। आपको मैं बताती चलूँ कि बहुत ज़्यादा जो है लोगों को पसंद है पाकिस्तानी ड्रामे, और जो अदाकार अच्छा काम करता है उसको बहुत मार्जिन मिल जाता है, उसको डायरेक्टर्स पसंद करते हैं, आवाम पसंद करती है, फिर उनको फिल्में और मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो मिलती हैं। आपको बताती चलूँ कि इस वक्त जो है सुनने में आ रहा है कि दुबई में वहाज की टीम ने इंडियन फिल्म मेकर से मुलाकात की है और ड्रामा जो तेरे बिन है उसके बाद वहाज की दस्तियाबी को यकीनी बनाया गया है, क्योंकि
अभी जिससे उनको शोहरत मिल रही है, वजह शोहरत जो ड्रामा है वो उसको बीच में छोड़कर नहीं जा सकते हैं। तो देखते हैं कि जी वहाँ पर करण जौहर की फिल्म में वहाज काम करने वाले हैं या फिर किसी और डायरेक्टर के थ्रू जो है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखते हैं। लेकिन इस वक्त आपको बताती चलूँ कि बहुत सारे मामला वहाज के जो हैं वो बॉलीवुड में चल रहे हैं, करण जौहर जो है उनके पीछे पड़े हुए हैं। करण जौहर चाहते हैं कि जी पाकिस्तानी ये जो स्टार है ये इंडिया में आए, और क्योंकि देखिए इस वक्त इंडियन फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है वहाज की, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। हर एक का एक टाइम आता है, एक पीरियड आता है जहां पर जो है वो लोगों को पसंद किया जाता है। तो जिस तरह से माहिरा खान को एक ऐसा टाइम आया कि जब उनका ड्रामा मकबूल हुआ तो उनको वहां पर फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा बढ़ी, तो लोगों ने कहा कि हमने वहां पर उनको देखना है। फिर मेरे ख्याल में मरवा जो है उनको भी वहां पर बुलाया गया। तो जो अच्छा काम कर रहा होता है मुख्तलिफ अदाकार जो है, इमरान को बुलाया गया, इमरान अब्बास को, वहां पर उन्होंने फिल्म की बड़ी अच्छी अदाकारी की। तो जो लोग अच्छा काम करते हैं यहां पर उनको जो है ऑफर की जाती है, लेकिन इतनी बड़ी ऑफर यानी कि इतना बड़ा डायरेक्टर जो है वो पसंद कर रहा है और उनको फॉलो कर रहा है, तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। ड्रामा सीरियल तेरे बिन से जो है कई सारफीन जो है वो वहाज की वजह से इन होते हुए नजर आए हैं। एक ट्विटर सारिफ ने अपनी ट्वीट में लिखा कि जी ड्रामा सीरियल तेरे बिन मैंने नहीं देखा तो क्या ये माशरा मुझे तस्लीम करेगा, जिसके जवाब में अदाकार वहाज अली मैदान में आए और उन्होंने बहुत ही मजाइया अंदाज में कहा नहीं। तो उसने लिखा कि भाई मैं तो अब ये ड्रामा देखूंगा क्योंकि जिस तरह से आपने जेस्चर दिया है, जिस तरह से आपने मुझे जवाब दिए, मैं देखने में मजबूर हो गया हूँ कि जो इंसान इतना अच्छा है वो ड्रामे में किस तरह से काम करता है। तो तेरे बिन देखना लोगों ने शुरू कर दिया, इंडिया में बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस ड्रामे को देखने वाली है और लोग जो है वो चाहते हैं कि वहाज को वो अपनी बड़ी स्क्रीन पर देखें। तो मैं आपको बताती चलूँ कुछ दिन पहले एक इंडियन अदाकारा है, उनके मतलब इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, उन्होंने ये कहानी सुनाई कि जी लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लोग मुझे वहाज के साथ जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं कि मैंने और वहाज ने शादी कर लिया, हमारी शादी दुबई में हुई है। तो उन्होंने क्लैरिफाई किया, हमारी टीम ने जब उनसे रब्ता किया, वहाज की टीम से रब्ता किया, उन्होंने कहा जी कोई वहाज की दूसरी शादी नहीं हुई हुई, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए जो है ये गेम्स डाली जा रही हैं। वहाज की एक बीवी है माजद, और वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। वो कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं था, मुझे सपोर्ट करने वाली मेरी बीवी है, अगर मैं आज कुछ बनाऊँ सपोर्ट सिस्टम मेरी बीवी है, और वो मुझे हर लम्हा जो है वो ढाल बन के मेरे साथ चलती है, तो मैं बहुत ज़्यादा अपनी बीवी से प्यार करता हूँ, अपनी बेटी से भी बहुत प्यार करता हूँ। तो वहाँ आज इस कदर इस वक्त इन है कि लोग उनकी छोटी सी छोटी बात को जो है गलत मलत मोड़ दड़ोड़ के जो है पेश करते हैं, और उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी बीवी से लड़ाई करता हूँ, लोगों ने इसको हेडलाइन बना दिया। भाई जब हमने उसकी रिसर्च की, उनसे बात की, मालूम हुआ तो पता चला कि भाई उन्होंने कहा था कि मैं अपनी बेटी से इतना प्यार करता हूँ कि अगर मेरी बीवी उसको आंखें भी दिखाती है तो मैं अपनी बीवी से लड़ना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी और मेरी बीवी मुझे बहुत प्यारी है, मैं अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो देखते हैं जी आने वाला वक्त, जो हमारे ड्रामा के इस वक्त सुपरस्टार है वहाज, क्या वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में नजर आने वाले हैं, क्या उनको करण जौहर अपनी किसी फिल्म में जो है वो लॉन्च करने वाले हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहुत सारी दुआएं हैं हमारे हर उस अदाकार के लिए जो बहुत मेहनत करता है और मेहनत से जो है कामयाबियों की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए नजर आता है।